खबरों के 2020 में आपका स्वागत है। हादसों से सबक ना लेना सरकार और उससे जुड़े विभागों की आदत बन गई है। तमाम दावों और सुरक्षा के वादों के बावजूद मुंबई में आधी रात को 14 लोगों की मौत हो गई। इनकी गलती बस इतनी थी कि आधी रात को एक जन्मदिन पार्टी का ये जश्न मना रहे थे, एक लौ निकली और पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। लोग जान बचाने के लिए रास्ते तलाशते रहे, बचने के लिए बाथरूम में छिपे, लेकिन 11 लड़कियों समेत 14 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। दिल दहला देने वाले इस हादसे के बाद अब आरोप प्रत्यारोप, सस्पेंशन, ट्रांसफर और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की ढेरों बातें शुरू हो गई है। इस खबर से जुड़े हर पहलू को हम अपने इस बुलेटिन में समेटेंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर से जुड़ी विश्वसनीयता हम आपको बता देते हैं। खबर में रिपोर्टर मौके पर मौजूद है, खबर पूरी तरह से सही है। चश्मदीद मुख्यमंत्री, अफसरों और पीड़ित परिवारों की राय भी ली गई है और तकनीकी विश्वसनीयता के पैमाने पर भी यह खबर 100% खरी है। मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड के रेस्टोरेंट में हुए हादसे की सीएम ने जांच का आदेश दिया है। बीती रात खुशबू नाम की एक लड़की के बर्थडे जश्न के दौरान आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 15 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सीएम ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है, जांच करने के आदेश बीएमसी कमिश्नर को दिए हैं। 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है। खुशबू ने अपने 28वें बर्थडे के जश्न का आयोजन मोजोज लाउंज में किया था। बर्थडे केक काटने के 15 मिनट बाद आग लग गई। देखते देखते आग तेजी से फैलने लगी। रेस्टोरों में मौजूद लोग वॉशरूम में छुपकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगे और बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलने पर दम घुटने से ज्यादातर की मौत हो गई। वहीं मरने वालों में 11 लड़कियां और 3 लड़के शामिल हैं। प्रीति मेरे हिसाब से वॉशरूम में चली गई, रुचि स्टेयरकेस से नीचे आ गई। रुचि अभी सेफ है, घर पे है, सदमे में है। वी आर फॉर्चुनेट दैट रुचि इज विद अस। यस, बट वी हैव लॉस्ट प्रीति माय सिस्टर। पुलिस ने रेस्टोरेंट के मैनेजर और मालिकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। मृतकों के परिवार वालों का आरोप है कि मोजोज रेस्टोरेंट के अंदर बांस और प्लास्टिक का इंटीरियर था, इस वजह से आग बहुत तेजी से फैली, किसी को निकलने का मौका नहीं मिला। ज्यादा करके 18 से 19, 20, 22 की लड़कियां थी जो यहाँ पे जली हुई थी। मुंबई हादसे में हुई 14 मौत का मामला संसद में भी गूंजा। हादसे की जवाबदेही को लेकर बीजेपी के सांसद किरीट सोमैया और शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत आपस में ही भिड़ गए। मेरी जो जानकारी है कि वहाँ पर वो जो पब था, रेस्टोरेंट था, वो गैर कानूनी था, उसके बाद परमिशन नहीं थी। मुंबई में जितनी भी मिले हैं उसके अंदर वह तो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होने दो या इस तरह के व्यावसायिक तो भी होने दो। सभापति अध्यक्ष महोदय, आप एकदम चौंक जाएगी कि इनको परमिशन किसने दी। 14 लोगों की मौत के बाद सरकार हरकत में आई है। आरोप है कि रेस्टोरेंट के पास रूफटॉप रेस्टोरेंट का लाइसेंस नहीं था, बावजूद खुले में बार चला रखा था। बीएमसी के मेयर ने सवालों पर बेहद ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। मुझे पता नहीं था सर, मुझे पता होता और मुंबई में हर जगह पे क्या चल रहा है, हर जगह पे तो मुझे पता नहीं हो सकता है। कुछ लोगों की लापरवाही से आधी रात को मुंबई के एक पॉश इलाके में 4 मंजिला इमारत जलकर राख हो गई, 14 लोगों की मौत हो गई। अब जांच की बात कही जा रही है। शुरुआती जांच के मुताबिक आग की शुरुआत तीसरी मंजिल पर वन अबाव पब से रात करीब 12:30 बजे हुई। थोड़ी ही देर में आग मोजोज रेस्टोरेंट तक पहुंच गई। मोजोज रेस्टोरेंट बिल्डिंग के छत पर बना था। आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त लगा। मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता मंगेश कसालकर ने हादसे के लिए बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। मंगेश का आरोप है कि 10 अक्टूबर 2017 को बीएमसी से कमला मिल्स कंपाउंड में अवैध निर्माण की शिकायत की थी, लेकिन बीएमसी ने अवैध निर्माण की बात ही खारिज कर दी थी। मंगेश ने दावा किया कि फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने पब में आग बुझाने के इंतजामों में लापरवाही की बात कही थी। इनलीगल पब्स होटल जिसके बारे में हर टाइम मैंने कंप्लेंट्स किए, उसके पेपर्स है वहाँ पे, मेरे को बीएमसी से रिप्लाई दिया गया कि यहाँ पे कोई भी इनलीगल स्ट्रक्चर या कुछ भी नहीं है। बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर को हटा दिया गया है। चश्मदीद के मुताबिक आग लगने से पहले धमाका भी हुआ था, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। धीरे धीरे आग बाहर तक फैल गई और लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। चश्मदीदों ने यह भी बताया कि रेस्टोरेंट में आने जाने का रास्ता भी एक ही था और वो बेहद संकरा भी था। लोगों को ये तक पता नहीं चला कि इमरजेंसी गेट किधर है।
ये वो छत है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो मोजो बरिस्टो जो रेस्टोरेंट है, हम आपको ऊपर से पहली बार दिखा रहे हैं। यहाँ पे पार्टी हो रही होगी, तकरीबन 100 के करीब लोग उस वक्त यहाँ मौजूद थे आप, और अभी पूरा का पूरा एरिया इस वक्त राख में बदल गया है। 18 दिसंबर को भी मुंबई के साकी नाका इलाके में भी आग से जलकर 12 लोगों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया था। ठीक 10 दिन बाद कमला मिल कंपाउंड में 14 लोगों की मौत हो गई। आपने कहा लापरवाही निश्चित हो होटल की या क्लब के संचालक की है ही है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा होता है वहाँ पे सारी व्यवस्था नहीं होना और इतने बेकसूर लोगों की जाने चली जाना, लेकिन इसमें कोई बख्शा नहीं जाने की बात सीएम साहब ने अभी मुझसे कही है। 14 लोगों की मौत के बाद मोजोज और वन अबव दोनों रेस्टोरेंट ने हादसे पर दुख जताया है। पब की ओर से ये भी दावा किया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में सुरक्षा के सभी इंतजाम थे और उनके पास सभी सर्टिफिकेट हैं। रेस्टोरेंट का दावा है कि सभी नियमों का पालन किया गया है। जांच में पुलिस और अधिकारियों की मदद कर रही है। मुस्लिम महिलाओं के हक का अधिकार, ट्रिपल तलाक बिल कल लोकसभा में पास हो गया। कांग्रेस लोकसभा में बिल के पक्ष में सरकार का साथ देती नजर आई, लेकिन अब कांग्रेस बिल को लेकर असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। ट्रिपल तलाक पर लोकसभा में समर्थन के बाद अब कांग्रेस ने राजनीतिक नफे नुकसान का कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया है। लोकसभा में कांग्रेस ने इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस का स्टैंड बदला नजर आ रहा है। राज्यसभा में उसको किस ढंग से हमारे पार्टी के लोग देखते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी को गए तो अभी भी ठीक है। ट्रिपल तलाक बिल को राज्यसभा में 2 जनवरी को पेश किया जाएगा। राज्यसभा में इस समय कुल 245 सांसद हैं। बिल को पास कराने के लिए सरकार को कम से कम 123 सांसदों का समर्थन जरूरी है। राज्यसभा में इस समय बीजेपी के 57 सांसद, कांग्रेस के 57 सांसद, एसपी के 18, टीएमसी के 13 सांसद, एआईएडीएमके के 12 सांसद और अन्य 88 सांसद हैं। अन्य के 88 सीटों में से बीजेपी के सहयोगी दलों के पास करीब 20 सीट हैं। इनमें 8 नॉमिनेटेड और 6 निर्दलीय भी शामिल हैं। लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल बिना किसी संशोधन के पास हुआ है। राज्यसभा में कांग्रेस संशोधन को लेकर कड़ा रुख अपना सकती है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने बिल को बीजेपी का 2019 का चुनावी एजेंडा बताया है। देखिए, ये तो हम पहले से कह रहे हैं कि अगर उनके एजेंडे में शामिल जो चीज़ है जिससे उनको 2019 के इलेक्शन में कुछ फायदा पहुँचता नजर आता है तो पास करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हार पर मंथन के लिए राहुल गांधी आज शिमला में थे। कांग्रेस की एक महिला विधायक ने महिला कांस्टेबल को वहां थप्पड़ मार दिया। कांस्टेबल की शिकायत पर विधायक के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी से विधायक आशा कुमारी राहुल गांधी के साथ होने वाली बैठक में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर पहुंची थी। आरोप है कि आशा कुमारी को वहां तैनात महिला कांस्टेबल ने अंदर जाने से रोक दिया, जिसे कांग्रेस विधायक भड़क गयी और थप्पड़ मार दी। महिला कांस्टेबल ने भी विधायक को पलट कर एक थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद माहौल गर्मा गया और विधायक समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मुझे लगता कि तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी की वजह से सुरक्षा बेहद कड़ी थी। आरोप है कि कांग्रेस विधायक आशा कुमारी जबरन अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, हालांकि विवाद बढ़ने पर माफी भी मांगी। मैं तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट हूँ, मैं करती नहीं हूँ, मगर कोई अगर मारे आपको तो एक रिएक्शन होता है, पर आप मैं सोचती हूँ कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। काले धन पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी ने वित्त मंत्रालय को कुछ और सिफारिशें सुझाई हैं। इधर मेरठ में नोटबंदी के करीब 13 महीने बाद 25 करोड़ के पुराने यानी 500 और 1000 के नोट मिले हैं। यूपी पुलिस ने मेरठ में 1000 और 500 रुपए के करीब 25 करोड़ रुपए के मूल्य की नकदी जब्त की है। इस करेंसी को डील करने पहुंचे 3 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने यह बरामदगी राजकमल एंक्लेव के मालिक संजय मित्तल के ऑफिस से की है। शक जताया जा रहा है कि दिल्ली के एक बड़े दलाल के जरिए पुरानी करेंसी को विदेशों में भेजकर उसके बदले कमीशन लेने की प्लानिंग थी। 8 नवंबर 2016 के बाद से पुराने 5 और 1000 के नोट चलन से बाहर हैं। काले धन पर गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने वित्त मंत्रालय को कुछ अहम सुझाव दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने 4 मुख्य सिफारिश की है। किसी भी व्यक्ति के पास 15 लाख से ज्यादा नकद मिलने पर सरकार उसकी मालिक हो। 3 लाख से ज्यादा कैश निकालने पर वजह को बैंक के जरिए आयकर विभाग को सूचित किया जाए। अगले कुछ साल में छोटे या बड़े हर तरह का ट्रांजैक्शन चेक से करना अनिवार्य किया जाए। सरकार 2000 की करेंसी को संभव हो तो जल्द से जल्द वापस ले ले।
सूत्रों के मुताबिक एसआईटी का कहना है कि सिफारिशें लागू होने पर काला धन कहीं से भी सर्कुलेट नहीं होगा। इलाहाबाद में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फर्जी बाबाओं की एक और लिस्ट जारी की है। इस नई लिस्ट में दिल्ली के आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में लड़कियों के शोषण का आरोपी वीरेंद्र दीक्षित, महिला संत त्रिकाल भवंता और सच्चिदानंद सरस्वती का नाम शामिल है। अखाड़ा परिषद ने लोगों को ऐसे फर्जी बाबाओं और संतों से सावधान रहने की अपील की है। और खबरों के 2020 में जाते जाते आपको शौर्य और देश के लिए जज्बे की एक तस्वीर दिखा देते हैं। शान की सुरक्षा के लिए -20 से -40 डिग्री टेम्परेचर में किस तरह से हमारे जवान ड्यूटी करते हैं उसकी गवाह है। हिमालय में इस समय जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, लेकिन आईटीबीपी के ये जवान हड्डियों को गला देने वाली बर्फबारी में भी 24 घंटे तैनात रहते हैं। इनको हमारा सलाम है।